नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं, अभी लास्ट डे को यूपीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था एक रिक्वायरमेंट के बारे में, उसके बारे में। तो आइए देखते हैं ये नोटिफिकेशन किस जॉब के लिए था और कब जारी किया गया और इसकी स्टार्टिंग डेट कब से है। तो ये है, ये किस चीज के बारे में है, यूपीपीएससी पीसीएस प्री एग्जाम रिक्वायरमेंट 2019 के बारे में। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये जॉब जो जारी की है, तो इसमें पोस्ट है वो वरीयस पोस्ट है, पोस्ट का नाम वरीयस है। इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, रेंज ऑफिसर की भी है, शिक्षा अधिकारी की भी है और अन्य ऐसी कई पोस्टें हैं। टोटल पोस्ट आपकी कितनी है, 364 पोस्ट आपकी, और जॉब लोकेशन आपकी उत्तर प्रदेश में होगी। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपके बैचलर या फिर पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए। अब बात करते हैं एज की, तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष हो सकती है। और आपको एज में गवर्नमेंट नियमों यानी सरकारी नियमों के साथ छूट भी मिली है, छूट भी मिली है। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, ततो जनरल और ओबीसी के लिए आपकी फीस है वो 125 रुपए निर्धारित की गई उन्होंने, और एसटी और एससी के लिए 65 रुपए और पीएच कैंडिडेट के लिए 25 रुपए इन्होंने निर्धारित किए। तो आपको इस फीस का भुगतान है वो आप ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। अब बात करते हैं इसकी इंपोर्टेड डेट क्या है, तो नोटिफिकेशन आपका कब जारी किया गया, 16 अक्टूबर को जारी किया गया और 16 अक्टूबर से आपकी स्टार्टिंग डेट है वो ऑनलाइन सबमिशन की शुरू हो गई है। और लास्ट डेट क्या आपकी फॉर्म सबमिशन की 11 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और फीस की लास्ट डेट क्या है, यानी फीस आप कब तक जमा करवा सकते हैं, 13 नवंबर तक आप फीस है वो अपनी जमा करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसमें आपका पहले परी एग्जाम होगा, फिर एक मेन एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होगा, और कुछ एक पोस्टों में क्या है फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो अगर आप इन तीनों प्रक्रिया को पूरा कर जाते हैं तो आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो अब बात करते हैं फिजिकल डिटेल क्या इसमें, तो फिजिकल किन किन पोस्टों के लिए होगा, आपका असिस्टेंट फॉरेस्ट कन्वर्जन और रेंज ऑफिसर, ये दोनों पोस्ट के लिए आपका फिजिकल होगा। इसके लिए उन्होंने हाइट है वो क्या मांग रखी है, मेल की होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल की 150 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट है वो मेल की होनी चाहिए। अब बात करते हैं पे स्केल के बारे में, तो असिस्टेंट कंजर्वेटर के लिए आपकी जो मासिक वेतन हो क्या होगा 15,700 से लेकर 39,100 रुपए तक आपकी सैलरी होगी पर मंथ के हिसाब से, और रेंज ऑफिसर में 9,300 रुपए से लेकर 34,800 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। तो ये तो होगी इसके बारे में एक मोटी मोटी जानकारी। अगर आप इसके बारे में फुल डिटेल जानना चाहते हैं तो आपको इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो दिया हुआ है, तो आप उसको डाउनलोड करके इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक जब भी आप फॉर्म भरने जाओ तो उससे पहले आप जो अपना ये एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़े, ताकि कुछ चीजें होती है जो हमारे द्वारा बताने में रह जाती है तो आप उससे वहां से कवर कर सको। तो ये थी हमारी आपकी एक छोटी जानकारी यूपीपीएससी पीसीएस प्री एग्जाम रिक्वायरमेंट 2019 के बारे में। तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है और समझ में भी आई। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।